गुड इवनिंग एंड जैन स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आई एम सपना सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 6 चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। जैसा कि आपकी बुक में स्टोरी दे रखी है मोहन की, और उसमें बताया गया है कि वो उनके जो लैंड का डिस्प्यूट था, लैंड को लेकर कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उन्होंने फिर क्या क्या सोल्यूशन किया उसके लिए। सो फर्स्टली वी डिस्कस एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। एवरी पुलिस स्टेशन हैज अ फिक्स्ड एरिया विच कम्स अंडर इट्स कंट्रोल्स। ऑल पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज रजिस्टर्ड कम्प्लेन्ट्स इन द देयर लोकल पुलिस स्टेशन, एंड द कम्प्लेन्ट्स कैन वेरी फ्रॉम थेफ्ट, इंजरी, फाइट और एक्सीडेंट। सभी जितने भी एरिया हैं, एरियाज में एक एक आपने देखा होगा आपके आसपास कोई पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है। उस पुलिस स्टेशन का क्या वर्क है, जितने भी उस एरिया में कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लाइक चोरी होती है, किसी को फाइटिंग में किसी को घायल हो जाता है, फाइटिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसका सबका सोल्यूशन कौन करता है, उस सबको कौन कंट्रोल करती है, वहां की पुलिस। एंड ऑल पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया रजिस्टर कंप्लेंट इन देयर लोकल पुलिस स्टेशन। और जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लाइक किसी के बीच में फाइटिंग हुई, डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई थेफ्ट होती है, रॉबरी होती है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले कंप्लेन कहां कर जाते हैं, अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में। एंड द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, द रिपोर्ट लॉस्ट इज नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्टली FIR। तो जब हम कोई रिपोर्ट करने जाते हैं, जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, FIR, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO इज इन चार्ज ऑफ एवरी पुलिस स्टेशन। और जो एक पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है हर पुलिस स्टेशन का, उसको क्या बोला जाता है, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। एंड टू गेट अ केस रजिस्टर वंस वन हैज टू रिपोर्ट इन अ राइटिंग एट द पुलिस स्टेशन, देन द पुलिस ऑफिशियल एग्जामिन द केस एंड टेक एक्शन एज पर द लॉ। उसके बाद जो भी कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है, केस रजिस्टर होता है, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाती है, और उसके खिलाफ फिर उसके अगेंस्ट क्या होता है, एक्शन लिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन चलती है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे क्रिएट हुई प्रॉब्लम, और कौन इसमें एक्यूरेट है, कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है। इन रूरल एरियाज डिस्प्यूटेड ऑकर ओवर लैंड एवरी ऑफन। जब अधिकतर रूरल एरिया में से क्या कहते हैं, गांव वगैरह में लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस किस लिए होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, लैंड को लेकर प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम में अधिकतर फाइटिंग्स होती हैं, लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो उसको कौन सोल्यूशन करता है, पुलिस। एंड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज इट मेन वर्क ऑफ द पटवारी। लैंड के बारे में मेजरिंग करना, नाप जोख करना और उसका पूरा वर्क को मेंटेन करना, मेन वर्क किसका होता है, पटवारी का होता है, उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड करना है अपने एरिया के। जिस तरह पुलिस स्टेशन बटे हुए होते हैं वैसे ही क्या होता है, वैसे ही एरिया बटा होता है पटवारी के लिए, जो उस एरिया का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, जमीन का कि किसकी कितनी जमीन है, किसके पास कितना रिकॉर्ड है, ठीक है, किसकी जमीन कितनी रजिस्टर्ड है। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, इन सम विलेज सच ऑफिसर आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर इज एक्ट्रा। पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लाइक लेखपाल भी कहते हैं, कानूनगो भी कहते हैं, कर्मचारी भी कहते हैं, विलेज ऑफिसर, अलग अलग स्टेट्स में इनके अलग अलग नेम होते हैं। फंक्शंस ऑफ पटवारी, पटवारी का क्या मेन वर्क है, द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। वो मेंटेन रखता है सारे जितने भी रिकॉर्ड हैं लैंड्स को लेके, जैसे लाइक किसी के घर में ज्वाइंट फैमिली थी, उसके बाद उनकी क्या कहते हैं, वो डिवाइड हो गई, यानी अलग हो गई, दो भाई थे वो अलग हो गए, तो किसके पास कितनी लैंड आई, किसके पास कितनी जमीन आई, ये सब सारा रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी रखता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन हिज एरिया, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल इसलिए भी होता है कि वो लैंड का तो रिकॉर्ड रखता है कि किसके पास कितनी लैंड है, और साथ में ही किस फार्मर के पास कितनी जमीन है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और इस बार उस एरिया में कितनी फसल उगी है, इन सब की जितने भी रिकॉर्ड है, जितनी भी इंफॉर्मेशन जानकारी है वो गवर्नमेंट तक देता है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट अदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।